चलिए नेक्स्ट आपके बुक में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 और ये लास्ट क्वेश्चन है मिसलिनियस एक्सरसाइज का। ये है 3x² - 2ax + 3a² & whole power 3, ठीक है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। इसको जो है वो एक्सपेंड करना है और बाइनोमियल थ्योरम का ही यूज करना है, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम को अगर यूज करते हैं तो ये पावर कितना है, 3 है। आप इसमें से ना एक को एक टर्म ले लो और बाकी दूसरे को जो है वो दो टर्म ले लो, ठीक है, दूसरा टर्म। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अगर अरेंज अगर करते हैं तो ये 3x² और प्लस में 3a² ये पूरा को हम लोग एक टर्म बना लिए और 2ax ये बन गया इसका दूसरा टर्म, ठीक है। अब बाकी इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हो गया पूरा का पूरा, हो गया ये एक टर्म यहां से लेकर के यहां तक, और यहां से यहां तक ये हो गया पूरा सेकेंड टर्म। तो बाइनोमियल के टर्म में ये आ गया है। अब इसको हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, देखिए कैसे। दो टर्म है तो ये पावर 3 है, तो पावर 3 तक ये जाने वाला है। आप लोगों को पता है ना कि 3c0 होगा पहला टर्म, दूसरा टर्म कितना होगा 3c1, इसके बाद 3c2, इसके बाद 3c3, यही तो तीन चार टर्म होने वाला है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो आएगा यहां पर 3x² + 3a² whole power 3 आने वाला है, माइनस है तो यहां माइनस होगा, पावर 1 है तो 3x² + 3a² whole power² होने वाला है, चूंकि 3 में से 1 गया 2 और साइड में ये होगा 2ax प्लस, यहां देखिए 3x² + 3a² whole power 1 और इंटू में कितना होगा 2ax² और यहां पर होगा 2ax whole power 3 होगा, यही होगा ना। चलिए अब इसको सॉल्व करना है आगे। देखिए 3c0 का वैल्यू कितना होता है, ये तो 1 होता है तो इसको नहीं लिखते हैं, और ये है क्यूब, तो ये हो गया 3x² + 3a² whole power 3 और 3c1 का वैल्यू कितना होता है, 3 होता है और इंटू में इसका ये स्क्वायर होगा, तो a + b² whole square ये है, उसके इसमें अगर इसको ब्रेक करेंगे तो a² + b² + 2ab आएगा। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 9x/4a² हो गया, b का स्क्वायर करेंगे तो ये भी होगा 9a/4a² + b² और प्लस 2ab होगा, तो 2ab होगा 3 3 9 और 9 2 18, तो 18a² x² और ये इंटू 2ax तो पूरा में रहेगा यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। फिर है प्लस, प्लस दे दिए, 3c2 का वैल्यू कितना होगा, तो 3c2 का वैल्यू कितना होने वाला है, 3 होने वाला है, 3 होगा, 2 factorial 2 में से 1 factorial 2 3 होगा, 3 factorial upon 2 factorial 1 factorial कितना होगा, 3 होगा, तो ये हो गया मेरा 3 इंटू में ये देखिए कि ये हो गया 3x² + 3a² और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 4a² x² होगा, 3c3 का वैल्यू 1 होने वाला है और इसका क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब 8a³ × x³ होगा ना, ठीक है, क्लियर है। अब यहां से देखो ये a + b का होल क्यूब है और a + b का जब होल क्यूब रहता है तो हम फॉर्मूला जानते हुए हाँ है ना, तो हम लोग इसको तो याद किए हुए हैं कि a³ + b³ + 3ab × a+b, ठीक है, उस पर हम लोग इसको सेट कर देते हैं, ठीक है। देखिए ए क्यूब, तो ए क्यूब जब होगा तो 3 3 9 और 9 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब कितना, 27 x/6 हो जाएगा यहां पे, ठीक है, ए क्यूब हो गया प्लस बी क्यूब करेंगे तो ये होगा 27a/6 a³ + b³ + 3a²b होता है, फॉर्मूला कितना होता है 3a²b, तो 3 होगा और a कितना है 3x², ये पहले से है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इतना होगा और इंटू में b तो 3a²b होगा इंटू में 3, तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 9x/4 और ये होगा 3a² और ये होगा 3, तो ये कितना होगा, देखिए तो 3 9 और 9 9 81, तो ये हो गया 81x/4 × a², ये हो गया कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। इसके बाद क्या होता है 3ab², इसके बाद ये नहीं होता है प्लस 3ab², तो 3 हो गया a कितना है 3x² और b 3a² का स्क्वायर, तो ये 3 3 9x² हो गया
इनटू इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये तो हो गया 9a पर पावर 4 और 9 जा हो गया यहां पर 81, तो 81 x टू द स्क्वायर और a पर पावर 4 हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया मेरा a क्यूब a प्लस b का होल क्यूब का, उस पर हम लोगों ने इसको सेट भी कर दिया। इसके बाद है माइनस, दे दिया हम माइनस। ठीक है, अब 3 से भी मल्टीप्लाई करना होगा और 2ax से भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो एक काम करते हैं ना कि इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको और इसको, तो कितना होगा 3 × 2 = 6ax, तो यहां पे हम लोग कर लेते हैं इसको 6ax। ठीक है, अब एक से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए माइनस है माइनस। ठीक है, अब ये देखिए इसको करेंगे जब इससे मल्टीप्लाई तो कितना होगा 54a और x पर पावर 4 एक पहले से था, यहां एक आएगा पावर 5 बन जाएगा, ये माइनस जब यहां जाएगा इसको बना देगा माइनस, फिर यहां कितना होगा 54 यहां भी होगा और a पर पावर 4 यहां है पहले से और एक आएगा तो पावर 4 बना देगा और एक x मल्टीप्लाई होगा, फिर होगा यहां माइनस, चूंकि यहां प्लस है ये माइनस इसको माइनस करेगा और 18 × 6 होगा ना, एक मिनट यही होगा ना, हाँ, और फिर 100 ये होगा 8 होगा ना, 18 × 6 = 108 होगा और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा यहां पर देखिए a क्यूब और ये x को जब इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा x क्यूब, फिर हो जाएगा प्लस। अब इसमें चले आइए, ये 3 से मल्टीप्लाई इसको भी करना होगा और इससे भी करना होगा, तो पहले इसको इससे कर दीजिए, तो 3 × 4 = तो 4 दिया यहां पर 12 हो गया, तो 12 हो गया और 12 से अब इंटू करिए, 36 हो गया यहां पे, 36 ए स्क्वायर और एक्स टू दी पावर 4 होगा, फिर यहां प्लस है प्लस डालेंगे, फिर 12 × 3 = 36 ए पर पावर इस बार 4 हो जाएगा और इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 8a³x³। ठीक है, बस यही था इसका मेन स्टेप, अब तो ये इजी बन गया। अब जो पावर एक्स टू दी पावर 6 कहीं है, x टू दी पावर कहीं भी 6 नहीं होगा, तो ये अकेला रह गया 27ax⁶। इसके बाद a टू दी पावर 6 कहीं है, कहीं भी 6 नहीं होगा, तो ये भी अकेला रह गया 27a⁶ प्लस एक्स टू दी पावर 4 और ए स्क्वायर, एक्स टू दी पावर 4 ए स्क्वायर यहां पे है, देखिए x टू दी पावर 4 ए स्क्वायर, ये और ये टर्म देखिए आप सेम है, ये वाला टर्म और इसको आप देखिए सेम है। ठीक है, तो ये 81 और ये 36 दोनों क्या हो जाने वाला है, ऐड हो जाने वाला है, तो जब ये ऐड होगा तो ये बन जाएगा 6 × 7 और इधर हो गया 117 ए पर पावर स्क्वायर और x पर पावर 4, तो ये दोनों का कहानी खत्म हो गया। फिर यहां देखिए है ये एक्स स्क्वायर है और ए पर पावर 4 है, अब देखिए आप ये वाला कहानी, इसको और इसको देखिए सेम है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाने वाला है, प्लस हो जाने वाला है, तो ये भी हो जाएगा प्लस 117 एक्स स्क्वायर ए पर पावर 4 हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर आप देखिए अब कुछ नहीं होगा, अच्छा हाँ ये वाला है और वो वाला है, तो माइनस 108 इसको देखिए और इसको देखिए, माइनस 108 और माइनस 8 कितना हो जाएगा 116 a³ x³ दोनों आ गया, और बाकी ये दोनों तो फिर किसी से मिलता भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा माइनस 54 a x पर पावर 5 और फिर माइनस 54 a पर पावर 5 × x। ठीक है, चलिए।